हेलो दोस्तों देखो सीखो विद वी सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है अगर आप स्टेट बैंक में पीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म आपका आ चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2018 के लिए 2000 पदों पर भर्ती होने वाली है और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है तो इससे पहले मैं आपको बता दें इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियोज आती हैं तो आपको पता चलते रहे बगल में एक बेल आइकन होगा दोनों को आप जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जिससे कोई भी आपको वीडियोस अपडेट आती है तो आपको पता चलते रहे तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं तो देखिए जो इम्पोर्टेंट डेट है वो अगर फॉर्म भरने का जो डेट है इक्कीस चार से फॉर्म भरा जा रहा है तो अभी आप फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट जो डेट है वो है तेरह पाँच दो तो अभी लगभग आपका एक महीने के करीब है आप फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट आपका फी पेमेंट का जो है वो भी आपका तेरह पाँच दो हज़ार अठारह है देखिए इंपॉर्टेंट डेट में जो आपका एग्ज़ाम का जो डेट है प्री का देखिए प्रीलिम्स और मेंस दो होते हैं इसमें एग्ज़ाम फिर आपका जो होता है वो इंटरव्यू भी होता है देखिए इंटरव्यू क्यों होता है क्योंकि ये आपका जो स्केल वन होता है पी जो होता है वो प्रोफेशनरी जो ऑफिसर होता है वो आपका स्केल वन में आता है तो इनका ऑफिसर स्केल का जो होता है इसलिए इनका जो होता है वो इंटरव्यू होता है ठीक है कलर क्वाली में इंटरव्यू नहीं होता है तो जो इम्पोर्टेंट डेट है प्री का वो प्री का जो होगा वो आपका एक आठ के बीच में जो जुलाई है उसमें आपका एग्ज़ाम होगा तो जो प्री का जो रिज़ल्ट है वो आपका पंद्रह सात दो हज़ार अठारह तक आ जाएगा और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका चार आठ दो हज़ार अठारह को होगा और रिज़ल्ट जो है वो बीस आठ दो हज़ार अठारह तक आ जाएगा ठीक है देखिए इंटरव्यू का भी इंटरव्यू और जीडी का भी आपका डेट दिया हुआ है चौबीस नौ से बारह दस तक आपका इंटरव्यू जीडी चलेगा ठीक है देखिए एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी और जनरल से छ सौ रुपया लिया जाता है जबकि एस सी एस टी और पी से आपका हंड्रेड रुपीज यानी कि सौ रुपया लिया जाता है ठीक है अब बात करते हैं कि आपकी टोटल पोस्ट कितना वैकेंसी कितनी है तो वैकेंसी डिटेल में आपका दिया हुआ है दो पोस्ट मैंने आपको पहले बताया था जनरल का आपका एक है और देखिए एज लिमिट इसमें जो दिया हुआ है इसमें आपका एज होना चाहिए इक्कीस से तीस वर्ष और डेट जो कैलकुलेशन आपका किया जाएगा वो आपका एक चार दो हजार अट्ठारह से कैलकुलेट किया जाएगा ठीक है यानी कि इसमें आपका इस डेट को आपका इक्कीस वर्ष पूरा हो जाना चाहिए या आप तीस वर्ष से कम होने चाहिए ठीक है इस डेट को और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए यानी कि आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में ठीक है कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका रिकोनाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि कौन अपेयरिंग में अगर, अगर मेरा लास्ट सेमेस्टर चला तो मैं फॉर्म को भर सकता हूँ कि नहीं तो फॉर्म को आप भर सकते हैं अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है, लेकिन यहाँ पे जो एक लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपका है कंडीशन की इकतीस आठ दो हजार अट्ठारह तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो पास हो जाना चाहिए इकतीस आठ दो हजार अठारह तक यानी कि अगर लास्ट सेमेस्टर में आप हैं और आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन आपका जो रिजल्ट है इस डेट तक आपका आ जाना चाहिए ठीक है तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी सोचा आप सभी लोगों को बता दें दो हजार पदों पर भर्ती हो रही है फॉर्म भरे जा रहे हैं जरूर से जरूर आप फॉर्म को भरें अगर आपका ग्रेजुएशन पास है या लास्ट सेमेस्टर में आप हैं और जो डेट मैंने आपको बताया इकतीस आठ उस डेट तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप जरूर से जरूर फॉर्म को भरें आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें कुछ भी आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब और बगल में एक बेल आइकन है दोनों का प्रेस कर लें जिससे कोई भी वी वीडियो आपसे मिस ना हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद